बड़े बड़े भीड़ लगे हैं भाई, इधर भैया लोग भी हैं। हाँ बस से निकाल रहा हूँ भैया आपका। 100, 500, 1500, 1600, 1700। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं यार आप लोग? पूजा से पूरी पेड़ के नीचे ही बैठ जाता हूँ मैं। क्या ही मस्त तुमने पेड़ के नीचे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूँ आपका भाई आज के सोनी। तो दोस्तों सबको राधे राधे। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ दोस्तों सामान वगैरह लेने के लिए। और यार देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल हो चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको आपका भाई की वीडियो कैसी लगती है। चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट। 9:30 बज गया है और मेरी PMW यहाँ खड़ी है। दुकान खोल रहा हूँ, देखते हैं मार्केट कैसा रहता है। और संडे और सोमवार दो दिन कुछ अलग टाइप से ब्लॉग मिलेगा आप लोग को। संडे को तो ऑब्वियसली ऐसे दुकान खुलता नहीं है, और सोमवार को मार्केट नहीं रहता है, ठीक है। तो सोमवार के लिए भी, मतलब सोमवार को कुछ कार्यक्रम वगैरह है यहाँ भाई, तो उसके लिए भी ब्लॉग कुछ अलग टाइप से मिलेगा आप लोग को। बाजार वगैरह टूटी कर दिया है, और वही लगभग 400 रुपये के आसपास का बाजार हुआ है। और आज हम मद्रास में बेच देना, 350 रुपये मैंने दे दिया है, जिसका आएगा लगभग 14 पीस के आसपास बेच, ठीक है। शनिवार है, मैं सोच रहा हूँ दुकान खोलूँ नहीं खोलूँ, मार्केट रहेगा नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है भाई। तो फाइनली सामान वगैरह लगा चुका है भाई, फटाफट से चलिए निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हो भाई साहब, फाइनली दोस्तों कम्प्लीटली पूरा सामान वगैरह रख लिया है, और चलिए अब हम लोग चलते हैं फटाफट दुकान वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। और सब कुछ तो रख लिया है फिलहाल में। चलो भाई, शनिवार था, एक दिक्कत हो गया था मेरे को, दोना पत्तल वगैरह नहीं मिल रहा था यार, ठीक है। हरा दोना बहुत मुश्किल से मिला, उतोली है तो शनिवार से उसका कोई लेना देना नहीं। दोना पत्तल मतलब लकड़ी चम्मच, प्लास्टिक चम्मच, पन्नी वगैरह चटनी के लिए, पार्सल के लिए, कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती भाई, बहुत मुश्किल से मिला। और हरा दोना नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी एक जुगाड़ करके लिए आया मैं बहुत मुश्किल से। ये देखो थोड़ा सूखा टाइप से है वैसे, लेकिन हरा दोना खिलाना भाई, रहेगा तो रहेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि 2-4 दिन हरा दोना दिखा फिर गया, फिर कुछ और दिखाया, फिर 2-4 दिन के बाद सब गया, तो वैसा नहीं मिला। जो चल रहा है वो चल रहा है, इससे ना जिनसे मैं ले रहा हूँ उनका भी प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी कुछ कमा ले रहे हैं, उसके बाद मेरा भी प्रॉफिट है, उसके बाद हो गया नेचुरली चीज़ सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक लोगों को ना हरा पत्ता में बहुत अच्छा भी लगता है, उसके बाद मैं फेंक दिया इसको, उसके बाद इसको गाय खा लिए, उनका भी फायदा, फायदे ही फायदा भाई हर जगह से। फिलहाल में 3 पीस पार्सल करना है, और 12 पीस भैया का पार्सल करना है। निकाल रहा हूँ भैया, बस 1 मिनट, 1 मिनट निकाल रहा हूँ। चलिए फटाफट से पार्सल वगैरह कर लेते हैं, जस्ट अभी लगाया दुकान में, लगभग 15-20 मिनट के आसपास हो रहा है, देखते हैं आज का मार्केटिंग कैसा रहता है। वैसे शनिवार भी है और कुछ त्यौहार वगैरह भी है, तो मार्केटिंग मेरे हिसाब से ना 7 बजे के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा आज। और दीपक भैया जब से है ना झुंझुना ही बजा रहे हैं। कैसे दीपक भैया, झुंझुना लाए हैं आज? 350 रुपये के आसपास का सेलिंग हो गया, 6:30 बजे है मार्केटिंग। अभी थोड़े मोड़े भीड़ लगना चालू हुए हैं, तो उसी में थोड़े मोड़े मार्केटिंग हुए हैं भाई, और बाकी देखते हैं शाम का, शाम को ही पता चलेगा। लक्की भी जस्ट पहुंचा है, अभी चाय पी रहा है। तब आपको क्या लगता है कितने बजे के बाद मार्केट होगा? 6:30 बज गया, आधा घंटे के बाद।
लेकिन अभी तक बहुत अच्छा मार्केट हो जाता था ना काफी दिनों से, हो जाता था लेकिन आज सही ना हुआ। आज नहीं हुआ। क्या खाएगा, क्या खाएगा पहले बता तू। बड़े बड़े भीड़ लगे हैं भाई, भैया लोग भी हैं। हाँ बस से निकाल रहा हूँ भैया आपका, ये फोटो लेना था। अरे भैया फोटो नहीं वीडियो भैया, आप तो पहले से फेमस है, आपको कौन फेमस कर पाएगा, पहले से फेमस है आप। बस भैया का फिलहाल मैं आर्टिस्ट निकाल रहा हूँ, पार्सल करना है। चटनी तीनों डाल दो भैया, एक और डाल दो चटनी, कौन सा वाला, टमाटर तुरंत भैया ले जाना। नारियल चटनी ज़्यादा, चम्मच मीठा और ये प्याज, लगर बनना पड़ेगा माइक देखे नहीं ऐसे ही बोल सकते महीने का कोई नहीं रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी यूट्यूब ऐसा है कि आप लाख करोड़ भी कमा सकते हो, तो करोड़ों रुपए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कितना कमा रहे, मतलब दो चार लाख रुपए कमा नहीं भैया, बस 150,000 का बाइक लिया हूँ, उससे पहले 22-23,000 रुपये आया था तो मैंने कुछ सामान गिफ्ट कर दिया था, पैसा बाकी मेरे को जो चाहिए था मैं कमा ही लेता हूँ। 10 डबल आप लोग को सिंगल सिंगल मेरे एक सिंगल दीजिएगा, सिंगल सिंगल और ना एक पैकिंग चार बांध दीजिएगा, चार बांध दो चटनी कोई सा भी घटेगा आवाज बहुत लेट से समझा, लेकिन सुबह से जो हम लोग तैयारी करते हैं ना छोटा छोटा सबका सिलिप बनता है, फिर लास्ट में कोई हमेशा प्याज वगैरह दे दिए और बता बेचू कैसा है फिलहाल मेरा भाई, छोटी मेरा सब्जेक्ट ना फिनिश हो जाएगा, भैया के लिए 15 पीस निकाला था, मतलब रखा हुआ था काफ़ी देर से, निकालूंगा उसके बाद फिनिश हो जाएगा मेरा छोटी सब्जेक्ट, और बचा है क्या मुंगोरी और सीधा थोड़ी देर में भी फिनिश हो जाएगा, और करेक्ट अभी 8 बज रहा है आज ना, मेरा सामान कर दिया इतना बिका कम हूँ 500 ज़्यादा गया।
बता ही रहा हूँ कट्टे। लो भाई चलो अब जो है ना हम लोग निकलते हैं फटाफट। काफ़ी देर हो गया तो दीपक भाई की दुकान में ना अभी भीड़ लगा था थोड़ा, तो मेरा चेयर निकाल लिया था तो मैं रुका हुआ था, अभी निकलते हैं। वैसे भी कल रेस्ट नहीं है तो आराम से जाऊँगा संजय के पास चना वगैरह खाने के लिए। आज का ना मार्केट ना बहुत 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 ही ज़्यादा स्लो रहा है और मार्केट में शायद शुरू हुआ नहीं, फिर भी कोई नहीं भाई शनिवार को सामान मेरा फिनिश हो गया ना वही काफ़ी है। चुप 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900, 1900 रुपये है ठीक है। और 500 रुपये मेरे फोन पे में आया है तो मतलब हुआ 2400 रुपये ठीक है, 2400 रुपये टोटली 2400 रुपये। और मैं आज आप लोगों को बताता हूँ आज मेरा सामान आया रहा 1080 रुपये का, मतलब 1100 रुपये का मेरा सामान आया रहा ठीक है। और बाज़ार हुआ रहा मेरा 350 रुपये का और 350 रुपये का ब्रेड आया रहा ठीक है। तो 11 और 3, 3, 6, 1, 7 तो ये हो गया आपका 1800 रुपये ठीक है, 1800 रुपये और 50 रुपये मेरे बाइक का और 50 रुपये टेम्पो किराया हो गया 1900 रुपये, 1950 रुपये का हरा दोना 1950 रुपये और 150 रुपये का थर्माकोल और चीला प्लेट चम्मच लकड़ी चम्मच ठीक है, ये हो गया 150 रुपये का। तो 19, 1950 और 120 और 21, 2100 रुपये और मैं बेचा हूँ 2400, मतलब 300 प्रॉफिट हुआ है। और चीला का मार्केट आज बिल्कुल भी नहीं था, मेरा ही नहीं चौपाटी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका आज मार्केट नहीं था ठीक है। और एक भैया ने मेरे को कॉमेंट किया था कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए आपका 50% ऐसा वैसा, तो भाई देखो घर में बैठ के एसी वाले रूम में बैठ के ना पोज मारने से काम नहीं होता है, जो काम करता है ना भाई उसको पता होता है। पहले ना मेरा जो बाज़ार अभी 350 रुपये का हो रहा है ना वो 150 से 200 रुपये के आसपास का होता था, अभी टमाटर कितना ज़्यादा महंगा है आपको भी पता है, सामान कितना ज़्यादा महंगा है। जो पत्ता गोभी मैं पहले लेके आता था 20 रुपये 30 रुपये वो हो गया 50-60 रुपये किलो ठीक है। आलू का रेट भी वैसे ही बढ़ा हुआ है, प्याज का रेट भी वैसे ही बढ़ा हुआ है, हर चीज़ का भी ना फिलहाल में रेट बढ़ा हुआ है। और मैं फुल्की चाट का काम नहीं करता हूँ भाई, ना ही मैं मोमोज बेचता हूँ। देखो हम लोग का जो काम है ना इसमें 30% बचता है 30%, और मोमोज वाला काम में 70% बचता है और पानी पूरी वाले काम में ना 50% बचता है, तो हम लोग का वैसे मार्जिन नहीं रहता है भाई जैसे आप लोग सोच रहे हो ठीक है। अभी जैसे सामान का रेट बहुत कम हो जाएगा ना तो जैसे अभी सामान का रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो 1000 रुपये किराना दुकान से सामान, फिर 200 रुपये का बाज़ार, 350 रुपये से तो 1600-1700 रुपये तक मेरा जाता है वैसे में, 1600-1700 रुपये अगर मेरा जा रहा है ठीक है टोटली सामान ला के, और 2600-2700, 2800-3000 ऐसे बेचूंगा तो वैसे मेरा मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन अभी सामान बहुत ज़्यादा महंगा है ठीक है। तो भाई देखो पहले मेरे से पूछ लो या फिर अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप लोग ये भी बोलोगे ना तो मैं इसका भी ना एक ठो डिटेल्स वीडियो बाकायदा मैं बना दूंगा, लेकिन ऐसे भाई अपने मन से कुछ भी पोज मार देना ये सही नहीं है ठीक है। और बगल में दबेली पाँव भाजी वाले भैया लगाते हैं उसका उनका भी ना 30% बता है, 1000-1200 रुपये का तो सिर्फ उनका पाँव ही पाँव हो जाता है भाई। फिर एक गैस सिलेंडर हो गया, अनार कम से कम 100 रुपये का उनको लग जाता है, 100 रुपये का फली दाना लग जाता है, 100 रुपये का उनका मिक्सर लग जाता है, पत्ता गोभी 1 किलो लेके आया तो 50 रुपये उसका हो गया ठीक है। उसके बाद मीठा चटनी का 300-400 रुपये का मीठा चटनी बनता है, वैसे में बहुत लग जाता है भाई। लोगों को लगता है ना कि बस ऐसे ही हो गया तो ऐसा नहीं है यार, मेहनत भी लगता है। तो भाई देखो मैं दिक्कत है ना कि मार्केटिंग कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मियों में ना मार्केट इसी तरीके से रहता है, ये पहला बार नहीं है पहले भी ऐसा हो चुका है। अभी जैसे ही ठंडी आएगा ना तो मार्केटिंग जैसे मेरा 3000+ जब मार्केटिंग रहता है ना तो मेरा पैसा ना काफ़ी बचता है ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कभी होते रहता है यार। मैं सोचा शनिवार है दुकान खोलूँगी नहीं, फिर मैं सोचा घर पर रह कर करूँगा ही क्या, कोई नहीं भाई चलेगा। और फिलहाल मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक प्यारी सी स्माइल के साथ। दोस्तों आई होप कि आपको आपके छोटे भाई की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग जरूर मेरे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें ना। और हाँ आप लोगों के लिए जो सरप्राइज है सरप्राइज ही रहेगा भाई, मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना सरप्राइज रहना काफ़ी सही लगता है यार। राधे राधे।